जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप सभी को इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर वार कॉलेज महू मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको शॉर्ट में जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूँगा, इस भर्ती का कोई भी अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक नहीं रहने वाला है। आप सभी को ऑफलाइन मोड द्वारा आवेदन करना होगा। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के अप्लाई स्टार्टिंग डेट को लेकर, तो आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी यहाँ पर 9 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अदर कैटेगरी की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। आपको फ़ी का पेमेंट कैसे करना है, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पर 18 से 25 साल तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आप सभी को यहाँ पर एज में एलोकेशन भी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए बात करेंगे आपकी पोस्ट को लेकर, तो आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क की आपकी पोस्ट रहने वाले हैं। टोटल आपकी 5 पोस्ट हैं। यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच आप सभी की सैलरी रहने वाली है। 12th क्लास पास स्टूडेंट यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। यहाँ से आप सभी इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म का PDF होता है वो आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपका सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। यहाँ से आप सभी अपनी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से यदि आप सभी इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड जान लेते हैं कि आप सभी को फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। क्वालिफिकेशन चेक करने का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। वहां से आप सभी हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो आप सभी को इस प्रकार का PDF देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपको यहाँ पर लिखना है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि आपको यहाँ पर लिख देना होगा LDC आप लिख देंगे या आप यहाँ पर लिख देंगे लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके बाद देखिए आप जो टाइपिंग करना चाहते हैं वो आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपका देना और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, यानी कि आप सभी को उस पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने होंगे, आधे सिग्नेचर आपके फोटोग्राफ के बाहर रहने चाहिए और आधे सिग्नेचर आपके फोटोग्राफ के ऊपर रहने चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले आपको इसके बाद आपको अपना यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को अपना यहाँ पर नाम आप सभी को मेंशन करना है। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आप सभी को अपना यहाँ पर फादर नेम आप सभी को मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा सा दिखे। इसके बाद आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन में, इसके बाद मंथ में और इसके बाद ईयर में आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सभी को मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद देखिए आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है, जो आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस दिन से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना होगा कि जो आपकी एज है वो कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है, और कैलकुलेट करने के बाद आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी को आप सभी यहाँ पर याद रखें, आप सभी उस जानकारी को यहाँ पर कैपिटल लेटर में आप सभी को देना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल हैं तो मेल पर राइट टिक का चिन्ह, फीमेल है तो फीमेल पर आप सभी को राइट टिक का चिन्ह लगा देना होगा। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, आप सभी को अपने यहाँ पर कैटेगरी के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर उसके बारे में जानकारी देंगे वरना रिक्त छोड़ देंगे। यदि आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे वरना रिक्त छोड़ देंगे। देखिए इसके बाद नेशनलिटी जो आपकी है, नेशनलिटी में आप सभी को यहाँ पर लिखना है इंडियन। इसके बाद आपका रिलीजियन यहाँ से पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर अपना धर्म लिख देंगे, जो भी आपका धर्म है आप सभी अपना यहाँ पर धर्म लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर कंप्लीट आप सभी को अपना एड्रेस लिखना है। इसके अलावा आपका जो नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन है उसके बारे में आप सभी को जानकारी देनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी को अपने यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, आपको अपने गाँव का नाम,
पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके अलावा आपका स्टेट क्या है, आप सभी अपना स्टेट का नाम, इसके अलावा आप सभी अपना यहाँ पर पिन कोड आप सभी मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पर लिखना होगा आप सभी को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको इस प्रकार लिखना है सबसे पहले नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसके बारे में आप सभी यहाँ पर इस प्रकार जानकारी दे देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी यहाँ पर देनी होगी। देखिए यहाँ पर आपको जो जानकारी देनी हो, आपकी इंटरमीडिएट पास वैकेंसी है तो आपको यहाँ पर लिखना है 12th। इसके बाद आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या है, जो आपने अपनी 12th क्लास पास की है वो आपने किस ईयर में पास की है, इसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद आप सभी के यहाँ पर परसेंटेज क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जानकारी देंगे। आपकी डिवीज़न क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर डिवीज़न के बारे में जानकारी देंगे। और रिमार्क में फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को लिख देना होगा पास। इसके बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे, वरना रिक्त छोड़ देंगे। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना रिक्त छोड़ देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फुल रीच सिग्नेचर करने, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए यदि आप यहाँ पर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके यहाँ पर ₹50 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। देखिए आप सभी को अपना फी का पेमेंट कैसे करना होगा मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी को अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है, जब आप अपने फॉर्म को सेंड करने जाएँ उस टाइम आपको जाना है और वहाँ से आप सभी को क्या करना है, वहाँ पर आपको जाकर कह देना है कि हमको ₹50 का क्या चाहिए, पोस्टल ऑर्डर चाहिए आप कह देना है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ₹50 का DD चाहिए, बस आपको ये जाकर कह देना है। इसके बाद वो क्या करेंगे, आपको दे देंगे और देने आपको वहां पर लेने के बाद उसको फिलअप करेंगे। आपने किस डेट को वहां से खरीदा उस डेट को यहां पर डालेंगे, पोस्ट ऑफिस से आपने किस डेट को खरीदा है उस डेट को यहां पर डालेंगे और उस DD पर जो आपका पोस्टल ऑर्डर होगा उस पर एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी में आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आप सभी को लगा देना होगा। यदि आप मेल कैंडिडेट हो, फीमेल को यहाँ पर राइट हैंड का आप यहाँ पर थंब लगा देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको देनी है बैंक डिटेल्स ऑफ SC ST कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए ये यहाँ पर रहने वाला है, जो आप सभी देख पा रहे हैं ये जो आपका पेज रहने वाला है, ये जो आपका पेज आप देख पा रहे हैं ये केवल SC ST कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। यदि आप अपने फॉर्म को SC ST कैटेगरी से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि आप यहाँ पर अप्लाई करें SC ST कैटेगरी से तो आप यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे। आपको सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो आपका किस बैंक में, किस ब्रांच में, उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे। आपको शॉर्ट में यहाँ पर उसका एड्रेस दे देना है, यहाँ पर मैं आपको फिलअप करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जो आपकी बैंकिंग जो आप सेक्टर की जो डिटेल्स होती हैं उनको किसी को दिखाना यहाँ पर आपका कानूनी यहाँ पर अपराध है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर देखिए आपको आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपका 11 डिजिट का IFSC कोड, जो आपका IFSC कोड है ये आपको मिल जाएगा, आपकी पासबुक में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी यहां पर IFSC कोड मेंशन करेंगे। इसके बाद आप सभी को यहां पर अपना पैलेस यानी आपको अपने गांव का नाम, आज की डेट, अपने सिग्नेचर और आपको अपना यहां पर नाम मेंशन कर देना होगा। ठीक है, यदि आप OBC कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो ये जो आपका रहने वाला है ये आपका OBC कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ये जो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आप सभी देख पा रहे हैं ये यहाँ पर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ये आपको OBC कैटेगरी वाले आपको अपना नाम, यहाँ पर फादर नेम, आपको अपना विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, अपना सिग्नेचर, नाम, पैलेस और डेट यहाँ पर आप सभी, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसको फिलअप करेंगे, यदि आप SC ST कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो इसको फिलअप करेंगे। इसके बाद देखिए फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाई ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अब देखिए यदि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको ये फिलअप करना है, वरना आप सभी यदि आप जनरल OBC या जनरल या EWS कैटेगरी से आवेदन करें तो आपका जो सेकंड वाला पेज है इसका बस आपको खाली आपको भेज देना होगा।
देखिए यहाँ पर अभी आ चुके हम एडमिट कार्ड की तरफ। एडमिट कार्ड में आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी को अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना और आप सभी को अपने सिग्नेचर करने होंगे, यानी कि उसको अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। इसके बाद आपका नाम क्या है, आप सभी अपना यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने पर पिताजी का जो आपका नाम है वो आप सभी को मेंशन करना होगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सभी को यहाँ पर मंथ में, दिन में और ईयर में आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। आप सभी अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, वो आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। किस कैटेगरी से आवेदन करें, कैटेगरी के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है, तो एडमिट कार्ड पर सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद फिर से आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम, इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फादर नेम आप सभी को मेंशन कर देना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सभी दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करें, उस पोस्ट के बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर कैटेगरी के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। ठीक है फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर फॉर्म था वो आपके यहाँ पर 4 पेज का था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी कि आपको ये कैसे फिलअप करना होगा। देखिए अभी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा डॉक्यूमेंट को लेकर, और उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 2 लिफाफों की आवश्यकता रहने वाली है। आपको उन दोनों लिफाफों को कैसे फिलअप करना होगा अभी मैं आपको इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आप सभी को क्या करना है, अपने बुक सेलर से आपको 2 लिफाफे खरीद लेने, एक 2 रुपये वाला, एक 3 रुपये वाला, यानी पुस्तक भंडार से आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उन लिफाफों को कैसे फिलअप करना होगा। मैं यहाँ पर चलिए ड्रॉ कर लेता हूँ, जो आपका छोटा वाला लिफाफा उसको मैं यहाँ पर देखिए मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक छोटा वाला यहाँ पर लिफाफा बना लिया हूँ। मान के चलिए ये आपका छोटा वाला लिफाफा है, इस पर आपको क्या करना है, 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको अपने लिफाफे पर लिखना होगा, और लिखने के बाद आप सभी को अपने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस, आपको एड्रेस में क्या क्या लिखना है, आपको अपना नाम, सनोप करके पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को 25 रुपये का डाक टिकट आपको लगा देना है, यानी कि आपको पोस्टल स्टाम्प लगा देना होगा। जो आपको डाक टिकट मिलेगा, जो आपको पोस्टल स्टाम्प मिलेगा, वो आप सभी को अपने पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। ठीक है, 25 रुपये का पोस्ट वहाँ से आप खरीद लेंगे डाक टिकट, 5-5 रुपये के 5 खरीद लेंगे, 10-10 रुपये के आप 3 खरीद लेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर मिनिमम आपको 25 रुपये आपको इस लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाना है, अधिक से अधिक आप यहाँ पर 30 का भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इसके बाद यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, अपने एड्रेस के नीचे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना है, क्योंकि जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो आपके गाँव का डाकिया है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो बड़ा वाला लिफाफा रहेगा, जो आपका मुख्य लिफाफा रहेगा, उसको आप सभी को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए मान के चलिए आपका लिफाफा रहने वाला है, जो आपका मुख्य लिफाफा है, जो आपका बड़ा वाला लिफाफा है, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट को आपको रखकर भेजना होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस पर सबसे ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको सेम लिखना है जैसा कि मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार आपको लिखना है, सेम आपको लिखना होगा। कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करें, बस आपको अपनी कैटेगरी को चेंज कर देना, आप जिस कैटेगरी से आवेदन कर रहे होंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को साइड में फॉर्म लिखना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप सभी को अपना आपको अपना नाम सनोप करके पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना होगा। सबसे मुख्य लिफाफे पर आपको कोई भी अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको साइड में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है और कॉमा लगाना है, और यहाँ पर 2 और कॉमा लगाने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको जो सेंडिंग एड्रेस है, जो आपको वेबसाइट पर दे दिया गया है, मध्य प्रदेश का एड्रेस है। वैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वैसे आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको वहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आप उस एड्रेस को देखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको छोटे वाले लिफाफे को आप सभी को डांट कट लगाने के बाद इसके अंदर रख देना है। इसके अलावा आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवानी है, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवानी है, आधार कार्ड की, जाति प्रमाण पत्र की आपको फोटोकॉपी करवानी है। सभी डॉक्यूमेंट पर आप सभी को अपने सिग्नेचर कर देने, फोटोकॉपी करवाने के बाद इनको यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे, बड़े वाले लिफाफे के अंदर, जो आपने फॉर्म है आपका 4 पेज का, इसको इसके अंदर रख देंगे।
इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसके अंदर आपको अपने रखने हैं। दोनों पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर बैक साइड में, जो आपका बैक साइड होता है फ़ोटो का बैक साइड, वहाँ पर आपको अपना नाम और पापा जी का यानी फादर नेम लिखने के बाद है आप सभी को इसके अंदर डाल देने होंगे। इसके बाद आप सभी अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इस फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।